नमस्कार, मैं पंडित राजेश योगिराज। आज 17 जुलाई मंगलवार का दिन है। पूर्व फाल्गुन नक्षत्र है। नक्षत्र का स्वामी शुक्र सिंह राशि में भ्रमण कर रहा है। आज सिंह का ही चंद्रमा है। अब बात करते हैं ग्रहों के गोचर की, जो इस प्रकार है। मंगल उच्च का होके केतु के साथ मकर में भ्रमण कर रहा है। शनि धनु राशि में भ्रमण कर रहा है। शुक्र सिंह राशि में चंद्रमा के साथ भ्रमण कर रहा है। राहु बुध सूर्य कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो इन ग्रहों का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, तो जानते हम मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी मंगल दशम भाव में उच्च का होकर केतु के साथ चल रहा है। आपका साहस बढ़ेगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह की चर्चा होगी। परंतु मेष राशि में सूर्य बुध और राहु चतुर्थ भाव में होने के कारण से आपकी माता को परेशानी आ सकती है। सूर्य के लिए आप अपने पिता का आशीर्वाद लें, बुध के लिए गणेश जी के दुर्वा चढ़ाएं और राहु के लिए पक्षियों को ज्वार डालें। आप देखिए आपकी समस्या का निदान कितना जल्दी होता है। वृष राशि का स्वामी शुक्र जो कि चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में है, घर में आनंद का माहौल रहेगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। परंतु वृष राशि वालों को शनि अष्टम होने के कारण से आपको कोई हारी बीमारी आ सकती है, कोई आप कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ समस्याएं आ सकती है। शनिवार के दिन आप काले तिल व उड़द की वस्तु बनाकर किसी गरीब व्यक्ति को खिलाएं, इससे आपको निदान होगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध राहु के साथ द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, साथ में सूर्य भी है। चंद्रमा तृतीय स्थान में शुक्र के साथ है। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ मनोरंजन के लिए बाहर जाएंगे, परंतु मंगल अष्टम होने के कारण से आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना है। आप मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, वे अपने बड़े भाई का सम्मान करें, समस्या का जल्द निदान होगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा द्वितीय भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, इस कारण से अचानक धन की प्राप्ति होगी, खुशी का माहौल रहेगा। आप अपने पर सुख साधनों पर खर्च करेंगे। राहु चंद्र आपके लग्न में चल रहा है, इस कारण से थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। राहु के लिए बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। कोढ़ी व्यक्तियों को तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपकी समस्या का शीघ्र निदान होगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है जो कि द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, परंतु सिंह राशि में शुक्र भी गोचर कर रहा है। शुक्र चंद्र का योग होने से मन प्रसन्न होगा, सुख साधनों पर खर्चा होगा। द्वादश भाव में सूर्य होने से आपकी लंबी यात्रा पे कुछ समस्या आ सकती है। आप यात्रा जाने से पहले अपने पिता का आशीर्वाद लें व गाय को हरा चारा खिला के निकलें, तो आपको समस्या का निदान होगा। कन्या राशि का स्वामी बुध लाभ घर में चल रहा है, अचानक बहुत बड़ा लाभ होगा, परंतु शनि चतुर्थ होने के कारण से ढैया का प्रभाव है। वाणी पर संयम रखें, अन्यथा मित्रों से मतभेद हो सकता है। शनिवार के दिन कोढ़ी व्यक्तियों को कंबल बांटें, इससे आपके समस्याओं का निदान होगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र लाभ घर में चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है, इसके कारण से आपको लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाई के घर में कोई मांगलिक कार्य होगा। गुरु आपके चंद्रमा पे गोचर कर रहा है, इस कारण से गुरु कृपा बनी रहेगी। परंतु मंगल चतुर्थ होने के कारण से वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना है। मंगल के लिए आप सांड को मसूर की दाल व गुड़ खिलाएं, इससे आपको निदान होगा। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल उच्च का होकर पराक्रम भाव में चल रहा है, तो अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होंगे। परंतु गुरु द्वादश भाव में होने के कारण से कोई शारीरिक समस्या आ सकती है। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति मंदिर में जाके पीले कपड़े और चने की दाल व गुड़ समर्पित करें, तो आपकी समस्या का जल्द निदान होगा। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति आपके लाभ घर में है,
आपको लाभ प्राप्त होगा। शुक्र चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में है, धार्मिक यात्रा होगी, बहुत आनंद से आपका दिन व्यतीत होगा। परंतु राहु आपको अष्टम होने से राहु का कुप्रभाव हो सकता है, उसके लिए आप सोमवार के दिन शिव जी के अभिषेक करें व रुद्राक्ष धारण करें, इससे आपकी समस्या का जल्द निदान हो। मकर राशि का स्वामी शनि मकर राशि पर अभी मंगल उच्च का होकर गोचर कर रहा है, बहुत उत्कृष्ट राजयोग बना हुआ है, धनाढ्य योग बनाता है, नए कार्य का शुभारंभ हो सकता है। शनि द्वादश है, उसका थोड़ा कुप्रभाव भी आपको मिल सकता है। वृद्धाश्रम में जाके आप वृद्ध लोगों की सेवा करें, उनको कपड़े दें, भोजन कराएं व आशीर्वाद प्राप्त करें। कुंभ राशि का स्वामी शनि लाभ घर में है, आपको लाभ मिलेगा। शुक्र चंद्र का योग सप्तम में है, जीवन साथी के साथ मनोरंजन पूर्वक आपका दिन गुजरेगा। बृहस्पति नवम स्थान में होने के कारण से गज केसी योग बन रहा है, गज केसी योग बनने के कारण से आपको कोई भी समस्या आपके पास आ नहीं सकेगी और आपका आज का दिन बड़ा ही सुखमय व्यतीत होगा। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा छठे में होने के कारण से मन थोड़ा खिन्न रहेगा, आलस्य रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन अपने गुरु की सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लें और चंद्रमा के लिए सुबह जल्दी उठ के शिव जी के दूध व जल का अभिषेक करें, इससे आपकी समस्या का जल्द निदान होगा। अगर आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हनुमान जी की स्तुति करें, गुड़ चने का भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करें, इससे आपको सफलता मिलेगी, आपके बाधाएं दूर होगी और आपके काम बनेंगे। तो ये थे आज के राशिफल, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात इसी समय होगी। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।